नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी, डायरेक्टर एवोल्यूशन इंटरनेशनल स्कूल, आप सभी की सुरक्षा व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, EIS शिक्षा में प्रतिभा का पोषण करने के लिए कटिबद्ध है। यहां सीखना केवल ज्ञान को इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि हमारे छात्रों के दिमाग को विकसित करना है। इस दृढ़ निश्चय के साथ EIS परिवार ने एक नए नेतृत्व की कड़ी को अपने साथ जोड़ा है। मैं आप सभी का परिचय हमारी नई प्रिंसिपल श्रीमती रेणु शर्मा से करवाना चाहता हूँ। श्रीमती शर्मा का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमती शर्मा के नेतृत्व में हमारे छात्रों का चहुमुखी विकास होगा। नमस्कार। नमस्कार। इट्स माई प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ एवोल्यूशन इंटरनेशनल स्कूल। माई सिंसियर थैंक्स टू द मैनेजमेंट कमिटी, द फाउंडर चेयरमैन श्री दीनदयाल जी चौधरी एंड डायरेक्टर श्री लक्ष्मण जी चौधरी, अंडर हुज गाइडेंस एंड विजन चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड सेफ लर्निंग एनवायरमेंट। डियर पेरेंट्स, EIS का मिशन फ्यूचर रेडी सिटीजन्स तैयार करना है। इस पर्पज़ के लिए हम एंशियंट इंडियन वैल्यूज को एमलगमेट करते हैं मोस्ट कंटेम्प्रेरी मॉडर्न एजुकेशन के साथ। आई हार्टली थैंक माई फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने इतने कम समय में ऑनलाइन क्लासेस की ट्रेनिंग ली और बहुत अच्छी तरह से बच्चों तक पहुंच पाए। एंड आई एम थैंकफुल टू माई डियर पेरेंट्स एज वेल, जिनके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ने हमारे ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुल बनाया। ये सब तो कोविड का रिस्पॉन्स था, कोविड से फाइट करने की और अपने बच्चों के एजुकेशन को नहीं रुकने की कोशिश थी। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन हमारे एजुकेशन का भविष्य है, फ्यूचर है। मुझे यकीन है कि जो लेफ्ट आउट पेरेंट्स हैं वो बहुत जल्दी हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से, तकनीकी कारणों की वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पाए। और EIS की पूरी कोशिश है कि वो अपने हर पेरेंट को, हर अभिभावक को अपने साथ जोड़े। हम EIS परिवार में अपने बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कमिटेड हैं और किसी भी तरह की चीज़ को, किसी भी तरह की आपदा को हम अपने बच्चों के ग्रोथ के लिए थ्रेट नहीं बनने देंगे। आप सब से मेरा अनुरोध है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को लेके आप उन्हें मोटिवेट करें। अगर कोई इशू है तो हमें कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि आने वाले समय में रेगुलर स्कूल शुरू होने के बाद भी हम ऑनलाइन आपसे जुड़े रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट होगा हमारे काउंसलिंग सेशंस। आप सभी अवगत होंगे डॉक्टर नितिन सारस्वत से, जो एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट है इंटरनेशनल फेम के, ही इज़ अ माइंड ट्रेनर, और ये सब आप तक पहुँचेंगे आपकी सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए थ्रू डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस, बी इट पेरेंटिंग सेशन, स्टूडेंट काउंसलिंग सेशन और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। आई जस्ट होप द वेरी बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन सारस्वत, साइकोलॉजिस्ट, माइंड ट्रेनर। आज EIS परिवार की तरफ से आप सबसे एक अनुरोध करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस कोरोना काल में जो एक संकट हम नहीं देख पा रहे हैं, वो है हमारे भविष्य की नींव के कमजोर हो जाने का संकट। एक फिल्म जो मैंने आपने नहीं देखी, उस फिल्म के छूट जाने से, एक रेस्टोरेंट का खाना जो मैंने आपने नहीं खाया, उसके छूट जाने से, विश्वास मानिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। पर एक खतरा है जिसे देखकर मुझे और आपको स्कूल के साथ मिलकर निश्चित कदम उठाने की आवश्यकता है। वो है हमारे भविष्य की नींव के कमजोर हो जाने का खतरा। क्या हम अपने बच्चों की एजुकेशन से इसलिए आंख मोड़ सकते हैं कि एक कोविड नाम की कोई समस्या हमें रोक रही है? नहीं। मैं जानता हूं भारतीय परंपरा या विश्व में कहीं भी यदि माँ बाप और एजुकेशन से जुड़े लोग किसी एक चीज से कभी समझौता नहीं करते, तो वो है आपके बच्चे का और हमारा भविष्य। हम सबका भविष्य ही तो है ये। हम क्या कर रहे हैं ऐसा ताकि हमारे भविष्य की नींव किसी भी तरह कमजोर होने को ना पाए? EIS
मुझे बहुत खुशी है, हर स्कूल की तरह यहाँ पर EIS ने भी लगातार ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा लगातार बच्चों की पढ़ाई के ऊपर फोकस करने का प्रयास किया है। मैं मानता हूँ कुछ भी नया बहुत सारी समस्याओं के साथ आता है, पर मुझे खुशी भी है इस बात की कि 70-90% परिवार EIS परिवार के लोग लगातार इस ऑनलाइन एजुकेशन का हिस्सा बन रहे हैं, इसे समर्थन दे रहे हैं। पर हमें, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, ना हारना है, ना थकना है, ना रुकना है। आइए आज एक कृत संकल्प लें, ऑनलाइन एजुकेशन आज के समय की वो आवश्यकता है जो केवल 1 या 2 महीना नहीं 1 साल तक हो सकता है हमारे साथ ऐसे की ऐसे ही बनी रहे। हमें और आपको इस परिवर्तन को सहजता के साथ स्वीकारना होगा, क्योंकि ये परिवर्तन यदि हमने नहीं स्वीकारा तो एक संकट बनकर हमारे बच्चों की एजुकेशन पर छाएगा। और विश्वास मानिए, मुझे पूर्ण विश्वास है, ना हम, ना आप और ना EIS इस संकट को आने ही नहीं देंगे। हम सब एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे, सिर्फ कोरोना को नहीं हराएंगे, कोरोना के भय को नहीं हराएंगे, अपने बच्चों के भविष्य पर किसी भी तरह की पड़ने वाली काली छाया को पूर्णतः नष्ट करेंगे। धन्यवाद।